सोलन के उपायुक्त सभागार में दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट कंपनी में कार्यरत सभी परिवहन सहकारी सभाओं की बैठक डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अंबुजा सीमेंट कंपनी में कार्यरत सभी परिवहन सहकारी सभाओं ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित डी माइनिंग एरियाज लैंड लूजर एवं प्रभावित परिवहन सभा को कार्य आवंटन करने बारे विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें सभी परिवहन सहकारी सभाएं जैसे एसटीडीओ, एडीकेएम, बीएलएल, जीएलएल आदि सभाओं ने इस बात का समर्थन किया कि जिन लोगों की अंबुजा सीमेंट कंपनी में लैंड अधिकृत की गई है उनको प्राथमिकता के आधार पर कार्य मिलना चाहिए। गौरतलब है कि दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट कंपनी में 8 सोसाइटी में करीब 2900 मेंबर, जिसमें से केवल 600 लोग ही है, माइनिंग एरिया से 5 पंचायतों के मेंबर है। दी माइनिंग एरियाज लैंड लूजर के संस्थापक परसराम ने बताया कि हमारी सभा का उद्देश्य उन बेरोजगार लैंड लूजर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करना है, जिनके साथ 1992 से लेकर आज तक सभी ने सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने बताया कि सभा में 150 गाड़ियां आ चुकी है, जो कि पिछले 3 महीने से खड़ी है। उन्होंने उपायुक्त सोलन से निवेदन किया कि जल्द से जल्द कार्य आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा, हमारी डीसी सोलन की अध्यक्षता में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसका जो मेन मोटो था दी माइनिंग एरिया लैंड यूजर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वर्क एलोकेशन से रिलेटेड, और इसमें सभी सोसाइटियाँ जो दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट में रन कर रही है उनको भी इन्वाइट किया गया था, और इसमें एसडीएम साहब की थे, रेगुलेटरी कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व थी, और सारी सोसाइटी को इनवाइट किया गया था, जिसका जो मेन मोटो था सोसाइटी में फ्रेश वर्क एलोकेशन को अलॉट करना है। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी सोसाइटियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे आपका एसडीटीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रांसपोर्ट सोसाइटी जो अंबुजा में रन कर रही हैं, एडीकेएम है, और बागर लैंड लूजर है, गोल्डन लैंड लूजर है, कुरगन लैंड लूजर है, चंडी लैंड लूजर है, और एक्स सर्विसमैन डिस्ट्रिक्ट सोलन और एक्स सर्विसमैन एचपी हिमाचल प्रदेश, सभी सोसाइटियों के रिप्रेजेंटेटिव थे और उनसे कंसर्ट लिया गया मीटिंग में। तो सबकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज मिला है कि लैंड लूजर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कार्य मिलना चाहिए, और जैसा कि जिन लोगों ने घर और ज़मीन को लूज़ किया है, लोग लैंडलेस और हाउसलेस हुए हैं जो 5 पंचायतों से, जिसके बिहार पे अंबुजा रन कर रही है, तो उन लोगों के लिए कार्य प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। तो सबकी इसमें कंसर्न पॉजिटिव कंसर्न मिली है, यह उनको प्राथमिकता के आधार पर कार्य मिलना चाहिए। दी माइनिंग एरियाज लैंड लूजर के संस्थापक परसराम ने बताया कि हमारी सभा का उद्देश्य उन बेरोजगार लैंड लूजर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करवाना है, जिनके साथ 1992 से लेकर आज तक सभी ने सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने बताया कि सभा में 150 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों में अभी खड़ी हैं। उपायुक्त सोलन से उन्होंने निवेदन किया कि जल्द से जल्द